बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मेरा घर। दोस्तों, अगर आप एक कनाल प्लाट के मालिक हैं और मुस्तकबिल करीब में उस पर घर तमीर करने के ख्वाहिशमंद हैं और आप नक्शा को लेकर परेशान हैं, या आप एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर हैं, तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देने वाली है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में भी आप मेरा घर के साथ कनेक्ट रहें। आज की वीडियो में हम मिलकर एक कनाल घर के नक्शे का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू करेंगे। यह है हमारा नक्शा, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान और टॉप रूफ, और ये इसका 3D। इस घर को क्लासिकल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। प्लॉट के राइट साइड पे आपको मेन गेट मिलता है। 20 फुट का मेन गेट रखा गया है। दो कॉलम्स साइड पे लगाए गए हैं गेट की सपोर्ट के लिए। गेट से आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको पोर्च मिलता है। पोर्च का जो साइज़ है वो 18 फुट 6 इंच बाई 31 फुट 6 इंच रखा गया है। चार गाड़ियां बड़े आराम से यहां पे पार्क हो सकती हैं। लेफ्ट साइड पे आपको फ्रंट लॉन मिल जाता है 15 फुट वाइड का। आप अपने इलाके और मौसम के अतबार से यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम घर की चार दीवारी देख लेते हैं कि चारों तरफ घर के वॉकवेज कितने रखे गए हैं। लेफ्ट साइड पे आपको जो पैसेज है वो 5 फुट मिल जाता है। राइट साइड पे जो पैसेज है वो भी 5 फुट छोड़ा गया है, और बैक पे जो पैसेज है वो भी 5 फुट छोड़ा गया है। 3 साइड पे आपको वॉकवे मिलता है इस घर के, और बिल्कुल फ्रंट पे आपको फ्रंट लॉन मिल जाता है। अब हम चलते हैं घर की एंट्री की तरफ। 2 सीढ़ियाँ चढ़ के आप घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। 8 फुट वाइड आपको पैसेज मिलता है। लेफ्ट साइड की तरफ आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है। पैसेज में राइट साइड पे आपको स्टेयर मिल जाती है। सबसे पहले हम ड्राइंग रूम की तरफ चले जाते हैं। ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 19 फुट 15 फुट 4.5 इंच रखा गया है। ड्राइंग रूम में सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से की गई है। ड्राइंग रूम को वेंटिलेशन 2 तरफ से की गई है। एक फ्रंट विंडो लगाकर जिसका साइज 8 फुट मिल जाता है, और एक लेफ्ट साइड की विंडो जिसका साइज आपको 10 फुट मिल जाता है। दोनों विंडोज का जो लेवल है सिल लेवल वो 1 फुट रखा गया है। लिंटर लेवल जो है वो 7 फुट रखा गया है। बड़ी अच्छी मकदार में लाइट जो है वो ड्राइंग रूम में आएगी, और दिन के औकात में आपको लाइट जलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ड्राइंग रूम को डाइनिंग के साथ अटैच रखा गया है। यहाँ पर दरमियान में ओपनिंग दी गई है 9 फुट की। ड्राइंग रूम जो साइज़ है वो 13 फुट 3 इंच बाई 12 फुट रखा गया है। डाइनिंग रूम का साइज़ 13 फुट 3 इंच बाई 12 फुट रखा गया है। डाइनिंग की जो वेंटिलेशन है वो लेफ्ट साइड का पैसेज है वहाँ से की गई है। डाइनिंग में जो विंडो लगाई गई है 8 फुट वाइड है, और उसका भी जो सिल लेवल है वो 1 फुट रखा गया है। डाइनिंग की 2 ओपनिंग रखी गई हैं। एक ओपनिंग के जरिए डाइनिंग को ड्राइंग के साथ कनेक्ट किया गया है, और एक ओपनिंग के जरिए पैसे के साथ कनेक्ट किया गया। तो हम चाहते हैं जी स्टेयर की जानब। स्टेयर का साइज़ जो है वो 12 फुट बाई 17 फुट 9 इंच मिल जाता है आपको। स्टेयर में 2 डोर दिए गए हैं। एक दरवाज़ा जो है वो बाहर की तरफ से पोर्च की जानब से, और एक दरवाज़ा जो है वो घर के अंदर की तरफ से। 2 दरवाजे रखने का मकसद ये होता है, फर्स्ट फ्लोर वालों ने अगर ऊपर जाना है तो वो ग्राउंड फ्लोर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर इस दरवाज़े को इस्तेमाल करते हुए स्टेयर के नीचे से होते हुए ये ऊपर चले जाएं। अगर ग्राउंड फ्लोर में से किसी ने ऊपर जाना है तो इस दरवाजे के जरिए वो स्टेयर में दाखिल होकर ऊपर चले जाएं। स्टेयर का जो साइज़ है वो 4 फुट रखा गया है। राइजर जो है वो आपको 7 इंच का मिल जाता है, और ट्रेड जो है वो आपको 1 फुट का मिल जाता है। अब हम चलते हैं घर के मेन हिस्से की तरफ, यानी लिविंग की तरफ। पैसेज में से होते हुए आप लिविंग में चले जाते हैं। लिविंग का जो साइज़ है वो 20 फुट बाई 16 फुट रखा गया है। लिविंग का जो वेंटिलेशन है वो लेफ्ट साइड के पैसेज की तरफ से की गई है। लिविंग की जो विंडो है वो 10 फुट रखी गई है, और लिविंग की जो विंडो है उसका सिल लेवल भी 1 फुट रखा गया है। लिविंग के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। किचन का साइज जो है वो 13 फुट 3 इंच बाई 12 फुट है। किचन में 6 फुट की विंडो दी गई है। विंडो के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे सिंक मिल जाता है, और राइट साइड पे आपको यहाँ पे कुकिंग रेंज मिल जाता है। किचन के साथ ही ग्रीस किचन क्रिएट किया गया है। ग्रीस किचन का जो साइज है वो 13 फुट 3 इंच बाई 8 फुट 9 इंच रखा गया है। यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको चूल्हा मिल जाता है। ग्रीस किचन की भी वेंटिलेशन जो है वो राइट साइड के पैसेज से की गई है। 6 फुट 9 इंच की विंडो लगाकर ग्रीस किचन और लॉन्ड्री को लाइट मुहैया की गई है। अब हम चलते हैं घर के बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम 1 का जो साइज़ है वो 17 फुट बाई 14 फुट रखा गया है, और कॉर्नर विंडो के जरिए बेड 1 को लाइट मुहैया की गई है। बेड की ओरिएंटेशन ऐसे रखी गई है कि उसके पीछे आपको सॉलिड वॉल मिल जाती है, और बेड के बिल्कुल सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। बेड 1 के साथ ड्रेस 1 दिया गया है 6 फुट 7.5 इंच बाई 7 फुट 9 इंच का। बेड 1 के साथ जो बाथ वन है उसका साइज 10 फुट बाई 7 फुट 9 इंच मिल जाता है आपको। बाथ वन की जो वेंटिलेशन है वो लेफ्ट साइड के पैसेज से की गई है। 2 फुट का वेंटिलेटर यहाँ पे लगाया गया है बाथ वन में। बाथ वन में यहाँ पे चुकोजी मिल जाती है आपको, यहाँ पे आपको WC मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है।
अब हम चलते हैं बेड टू की तरफ। बेड टू का जो साइज है वो 13 फुट बाय 17 फुट रखा गया है। बेड टू की जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड की तरफ जो पैसेज है 5 फुट का वहाँ से की गई है। 8 फुट के विंडो लगाई गई है। विंडो का जो सिल लेवल है वो 1 फुट रखा गया है। बेड की ओरिएंटेशन ऐसे रखी गई है कि आपको बेड के बैक पे आपको सॉलिड वॉल मिल जाती है और बेड के बिल्कुल सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। बेड टू के साथ आपको ड्रेस टू 7 फुट बाय 7 फुट 1.5 इंच का मिल जाता है। बेड टू के साथ बाथ टू जो है वो 7 फुट बाय 9 फुट 6 इंच का मिल जाता है। बाथ टू की जो वेंटिलेशन है वो राइट साइड का जो पैसेज है वहाँ से की गई है। 2 फुट का वेंटिलेटर यहाँ पे भी लगाया गया है। यहाँ पे आपको जकूजी मिल जाती है। विंडो के बिल्कुल सामने आपको WC मिल जाती है और यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। ये था जी हमारा ग्राउंड फ्लोर जिसमें आपको 2 बेड विद अटैच बाथ, किचन, लॉन्ड्री, लाउंज, डाइनिंग, ड्राइंग रूम और स्टेयर मिल जाती है और साथ में 4 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। स्टेयर में यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। इस लेवल पे सबसे पहले आपको स्टेयर हॉल मिलता है 17 फुट 9 इंच बाय 12 फुट का। स्टेयर हॉल को जो है वो 3 विंडोज दी गई हैं। 2 विंडोज फ्रंट से दी गई हैं और 1 विंडो जो है वो राइट साइड की पैसेज की तरफ से दी गई है। अच्छी खासी मकदार में रोशनी जो है वो स्टेयर हॉल में आएगी। दिन के औकात में आपको लाइट जलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। दरवाजा खोल के आप पैसेज में आ जाते हैं। 6 फुट का वाइड जो है वो पैसेज रखा गया है। पैसेज के बिल्कुल नीचे ड्राइंग रूम रखा, ड्राइंग रूम डिजाइन किया गया है। ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 12 फुट 6 इंच बाय 15 फुट 4.5 इंच रखा गया है। यू शेप में इसकी जो है वो सेटिंग रखी गई है। ड्राइंग रूम की जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट से की गई है। 8 फुट की विंडो लगाई गई है। 8 टाइप विंडो है ये। विंडो के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको बैल्कोनी मिल जाती है। ड्राइंग रूम के बाद अब हम चलते हैं बेड की तरफ। ड्राइंग रूम के बाद अब हम चलते हैं बेड 3 की तरफ। बेड 3 का जो साइज है वो 13 फुट 3 इंच बाय 12 फुट रखा गया है। बेड 3 को वेंटिलेट करने के लिए 2 विंडोज रखी गई हैं। 1 विंडो आपको 8 फुट की मिल जाती है और 1 विंडो आपको 3 फुट की मिल जाती है। बेड की ओरिएंटेशन ऐसी रखी गई है जिसके बैक साइड भी आपको सॉलिड वॉल मिलती है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। बेड 3 के साथ बाथ 3 जो है वो 5 फुट 9 इंच बाय 8 फुट रखा गया है। बाथ की वेंटिलेशन जो है लेफ्ट साइड की तरफ से की गई है। यहाँ पे आपको शावर मिल जाता है, यहाँ पे आपको WC मिल जाती है और यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। बेड 3 के बाद अब हम चलते हैं जी लिविंग की तरफ। लिविंग का जो साइज है ग्राउंड फ्लोर की तरह 20 फुट पे 16 फुट रखा गया है। लेफ्ट साइड की उसकी वेंटिलेशन दी गई है। लिविंग के बाद आपको यहाँ पे टेरेस मिल जाती है। लिविंग के बिल्कुल सामने यहाँ पे किचन रखा गया है। किचन का साइज 13 फुट 3 इंच बाय 12 फुट रखा गया है। राइट साइड पे 1 विंडो मिल जाती है बढ़िया। आपको विंडो के सामने आपको सीट मिल जाता है और यहाँ पे आपको चूल्हा मिल जाता है। किचन के बाद अब हम चलते हैं स्टोर की जाना। स्टोर का जो साइज़ है वो 13 फुट 3 इंच बाय 8 फुट 9 इंच रखा गया है। स्टोर की जो वेंटिलेशन है वो राइट साइड का जो पैसेज है वहाँ से की गई है 3 फुट की विंडो लगाकर। स्टोर के बाद अब हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। बेड 4 की तरफ चलते हैं। बेड 4 का जो साइज़ है वो 13 फुट बाय 17 फुट रखा गया है। बेड 4 की वेंटिलेशन बैक साइड की तरफ से की गई है। 8 फुट की विंडो लगाई गई है। सिल लेवल जो है वो 1 फुट रखा गया है और लेंटर लेवल 7 फुट रखा गया है। बेड 4 के साथ आपको ड्रेस मिल जाता है 7 फुट 1.5 इंच बाय 7 फुट का। बेड 4 के साथ जो बाथ 4 है वो 9 फुट 6 इंच बाय 7 फुट का मिल जाता है। बाथ की वेंटिलेशन राइट साइड की तरफ से की गई है। यहाँ पे आपको जकूजी मिल जाती है, यहाँ पे आपको WC मिल जाता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। अब हम चलते हैं बेड 5 की तरफ। बेड 5 का जो साइज है वो 17 फुट बाय 14 फुट रखा गया है। बेड 5 को वेंटिलेट जो है वो कॉर्नर विंडो से किया गया है। बेड 5 के साथ आपको ड्रेस मिल जाता है। ड्रेस 5 का जो साइज है वो 6 फुट 7.5 इंच बाय 7 फुट 9 इंच रखा गया है। बेड के साथ जो अटैच बाथ है बाथ 5 उसका साइज आपको 10 फुट बाय 7 फुट 9 इंच मिल जाता है। बाथ की वेंटिलेशन जो है वो लेफ्ट साइड से की गई है। यहाँ पे आपको स्कोजी मिल जाती है, यहाँ पे WC मिल जाता है और यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। ये था जी हमारा फर्स्ट फ्लोर जिसमें आपको 3 बेडरूम्स, 1 ड्राइंग रूम, 1 किचन और 1 स्टोर मिलता है। अब हम चलते हैं टॉप रूफ की तरफ। सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ते हुए हम टॉप रूफ पे इस लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 13 फुट 3 इंच बाय 12 फुट की स्टेयर हॉल मिलता है। 2 तरफ से उसकी वेंटिलेशन की गई है। 1 दरवाजा लगाया गया बाहर की तरफ टेरेस की जानब और 1 दरवाजा सर्वेंट की जानब खुलता है। सर्वेंट का जो साइज है वो 13 फुट 3 इंच बाय 8 फुट रखा गया है और साथ में 1 सर्वेंट का बाथरूम दिया गया है 6 फुट बाय 4 फुट का। टॉप रूफ पे 1 लॉन्ड्री भी क्रिएट की गई है 7 फुट 3 इंच बाय 4 फुट 9 इंच की। टॉप रूफ पे आपको 2 स्लोपिंग रूफ मिल जाती है। 1 रूफ जो है वो ड्राइंग रूम के ऊपर बनी हुई है और 1 स्लोपिंग रूफ जो है वो स्टेयर हॉल के ऊपर बनी हुई है। एलिवेशन में आपको ये नज़र आ रही है। एक कनोपी आपको ड्राइंग रूम के ऊपर मिल जाती है और 1 कनोपी आपको स्टेयर हॉल के ऊपर मिल जाती है। यहाँ पे वरांडा क्रिएट किया गया है। अब हम वरांडा देख लेते हैं प्लान में। स्टेयर से निकलने के बाद यहाँ पे आपको वरांडा मिलता है 5 फुट 3 इंच वाइड और 16 फुट 6 इंच का कवर्ड वरांडा है। फ्रंट पे आपको टेरेस मिल जाती है 24 फुट 6 इंच बाय 13 फुट 6 इंच की। काफ़ी बड़ी टेरेस है। ये था हमारा टॉप फ्लोर और ये था हमारा 3D व्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।